इन्फॉर्मेशन नहीं मिसिंग है, मैं एक चीज कराना भूल गई। आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ये पर पहले इस फॉर्मूला कॉपी में लिखो और अब मेरे को सोच के बताओ कि हाउ कैन वी यूज दिस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कुछ आ रहा है दिमाग में? किसकी वैल्यूज? ठीक है, कैसे डालेंगे वैल्यू स्लोप की? क्या है स्लोप की वैल्यूज? चार वैल्यू। अब कौन हम लोग को, पहला बात तो दो वैल्यू चाहिए खाली, और दूसरा बात कौन सा दो वैल्यू लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखो, यहीं पे यूज होता है ट्रायल एंड एरर। अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो फर्स्ट लाइन है वो एक्स ऑन वाई है, तो मतलब बी एक्स वाई इज माइनस फोर। एंड अगर हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं, देन इसका मतलब है कि माइनस फोर बाई नाइन हैज टू बी बी वाई एक्स, राइट? ये होगा। और अगर हम लोग उल्टा अजम्पशन करते हैं तो क्या बन जाएगा? माइनस नाइन बाई फोर इंटू माइनस वन बाई फोर। दोनों का आंसर कितना आ रहा है? पहले वाले का आंसर क्या आएगा और दूसरे वाले का? अब हमें ये कैसे पता कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा गलत है? दोनों में से एक को तो गलत होना होगा। कौन सा गलत होगा? वेरी गुड। माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगा, मतलब कि जो आर स्क्वायर है उसको हमेशा वन से कम होना आएगा। और ये क्या है? ये तो आर स्क्वायर ही है, तो आर स्क्वायर को हमेशा वन से कम होना होगा। ये वाला वन से बड़ा है, तो इसका मतलब कि ये राइट है। और ये हम लोग को कौन से अजम्पशन से मिला? कि x के लिए सेकेंड लाइन है और y के लिए फर्स्ट लाइन है। यस, तो दैट इज हाउ वी डिसाइड कि कौन सा x ऑन y है एंड कौन सा y ऑन x है। एक और हम सम हम लोग ट्राई करेंगे। ये रहा माइनस फोर फर्स्ट इक्वेशन से, माइनस फोर वाई है ना, तो यहाँ पे स्लोप माइनस फोर बाई नाइन यहाँ से लिया। अगर क्योंकि ये फर्स्ट है तो मतलब कि वाई के लिए सेकेंड वाले कौन आएगा? नहीं, देखो हम लोग क्या कर रहे थे, एक बार हम लोग स्टार्टिंग से वापस से देखते हैं। हम लोग को दिया गया था ये टू लाइन्स, x प्लस फोर वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो एंड फोर एक्स प्लस नाइन वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। ये हम लोग को टू लाइन्स दिया गया, बोला गया कि इनमें से एक x ऑन y है और एक y ऑन x है। तो ऑब्वियसली अगर फर्स्ट वाला लाइन x ऑन y है तो सेकेंड वाले को y ऑन x होना आएगा एंड y से वर्सा, क्योंकि दोनों एक ही नहीं हो सकता। तो ये अब हम लोग को चेक करना है कौन सा x ऑन y है एंड कौन सा y ऑन x है। ये हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग सबसे पहले x एंड y को दोनों लाइन में सब्जेक्ट बना देंगे। क्यों बनाएंगे ऐसा? क्योंकि रिग्रेशन लाइन का फॉर्म क्या होता है? इट इज दिस फॉर्म। ओह, ये फॉर्म होता है रिग्रेशन लाइन का। तो y ऑन x के लिए ये दोनों होएगा। अगर सपोज हम लोग दोनों लाइन एज्यूम करेंगे y ऑन x, तो हम लोग को y को सब्जेक्ट बनाना होगा। और y को सब्जेक्ट बनाने से स्लोप क्या आएगा? इसमें से स्लोप आएगा माइनस वन बाय फोर और इसमें से आएगा माइनस फोर बाय नाइन।
और हम लोग एक्स को भी सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम लोग का स्लोप आया -4 एंड -9/4, ये दोनों स्लोप्स आ गए हम लोग का। अब इन चारों में से हम लोग को एक पैर निकालना है। अब वो पैर में कंस्ट्रेंट क्या है कि अगर हम लोग इस वैल्यू को लेंगे तो यहाँ से हम लोग को इस वैल्यू को लेना होगा, और अगर हम लोग इस वैल्यू को लेंगे तो यहाँ से इस वैल्यू को लेना होगा, क्योंकि बाकी जो दो पेयर्स बन सकते हैं वो हम लोग कंसिडर ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो पेयर का आंसर बाय चांस आ गया एज पर आर नीड्स तो इसका मतलब हो जाएगा कि फर्स्ट लाइन ही वाई वन एक्स भी है, एक्स वन वाई भी है, बट वो तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग ये दोनों पेयर लिए, ये दोनों पेयर लेके हम लोग क्या किए, स्लोप्स को मल्टीप्लाई कर दिए, तो -4 इंटू -4/9 किए एंड -9/4 इंटू -1/4 किए, इससे आया 16/9, इससे आया 9/16। नेक्स्ट हम लोग क्या किए, हम लोग को पता है कि बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर विच ऑलवेज हैज टू बी लेस देन 1, क्योंकि आर पे कंस्ट्रेंट रहता है कि वो -1 और 1 से 1 के बीच में होते हैं। तो आर स्क्वायर भले अब वो -1 हो या +1 हो हमेशा 1 से छोटा ही होगा, तो इसीलिए हम लोग को देखना होगा कि इन दोनों में से जो भी पेयर हम लोग को लेस देन 1 दे रहे हैं वो हम लोग का करेक्ट पेयर है। ये जो पेयर था दिस वॉज टिक वाला पेयर एंड दिस वॉज स्टार वाला पेयर, तो करेक्ट कौन सा हुआ, स्टार वाला पेयर। स्टार वाला पेयर क्या बोलते हैं कि सेकेंड लाइन में एक्स ऑन वाई था, तो ये एक्स ऑन वाई है और यहाँ पे ये वाई ऑन एक्स है। आया समझ में, क्लियर पूरा? अब एक थोड़ा सा हम खुद से ट्राई करो तो और ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। सी और डी को कंसिडर करने का जरूरत नहीं, मतलब वो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू से हम लोग का आंसर इफेक्ट नहीं होगा। बट बताओ कि एक्स ऑन वाई कौन सा है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, और वाई ऑन एक्स कौन सा है? करो प्रोसीड हो पा रहे कि हेल्प चाहिए? हाँ
नहीं, मेरे को लाइन वन और लाइन टू में बोलो, लाइन वन होगी कि लाइन टू होगी? लाइन टू इज एक्स ऑन वाई ना? अच्छा, अब इसका फॉर्म बोलो, एक्स इक्वल टू ठीक है, और दूसरे वाले का फॉर्म क्या होगा? वेरी गुड। प्रोडक्ट क्या आ रहा था एक बार? अगर हम लोग दूसरा वाला, यहाँ पे तो क्या आ रहा है, 9/20 इंटू 4/5 आ रहा है ना? और अगर दूसरा होता फॉर्म तो क्या आ रहा है प्रोडक्ट? वाई इज इक्वल टू 4x प्लस सी, तो मतलब 4/5, और यहाँ पे एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 9y प्लस डी कुछ गड़बड़ किया ना मैंने। हाँ सेकंड, यहाँ पे हम लोग वाई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 4/5 ही आएगा वहाँ। हाँ वही वही वही, मेरे को भी वही लग रहा है, वो 4/5 एंड 20/9 आएगा, तो ये ग्रेटर देन वन हो जाएगा। उसमें हम लोग वाई को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो 20/9 आ रहा है, राइट? तो इसीलिए ये तो समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन में एक कंटिन्यूएशन है, फाइंड द रेशियो ऑफ वेरियंसेस ऑफ एक्स एंड वाई। तो मतलब क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है वेरियंस ऑफ एक्स बाय वेरियंस ऑफ वाई, या फिर नहीं, वेरियंस ऑफ वाई बाय वेरियंस ऑफ एक्स निकालो, ये क्वेश्चन है। क्या होगा, कैसे करेंगे अब? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या बी एक्स वाई दोनों अपॉन में? हाँ एक बार आर एक्स वाई नहीं, खाली आर ही लिख रहे हैं क्योंकि वो मान लो उसको आर ही है वो। फिर इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो इसको क्यों स्क्वायर करो, जब आपको वाई बाय एक्स चाहिए तो फिर बी ए वाई एक्स वाले को ही करो ना। बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स। अच्छा, इसको हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, तो बी वाई एक्स का स्क्वायर होगा बी वाई एक्स इज 4/5 ना? बी वाई एक्स 4/5 ही तो होगा क्योंकि वाई ऑन एक्स का स्लोप होगा बी वाई एक्स। आर स्क्वायर कितना होगा,
आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? बोलो, वन। वन क्यों होगा? वन तो आर स्क्वायर का लिमिट है, अपर लिमिट है आर स्क्वायर का। वन वैल्यू थोड़ी ना है। ऊपर में आप क्या यूज करके निकाले, ये क्या है? वाई डज दिस हैव टू बी लेस देन वन? बिकॉज दिस इज आर स्क्वायर। देखो क्या होगा, आर स्क्वायर तो पहले से हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और बचा हम लोग का आंसर। तो आंसर कितना होगा यहाँ पे, ये 36/25, 100 ऊपर में, नीचे में 36, फोर आएगा। कभी भी खाली मैं जो भी कर रही हूँ बस अंधाधुंध उस पर विश्वास करते रहो। अच्छा कुछ गलती नहीं है मेरा, देखो ध्यान से, अब तो खुद ही गलती पास। स्कूल में कभी मैम गलती नहीं करती है जानबूझ के, देखने के लिए क्या अटेंशन पे कर रहे हैं कि नहीं। कितना आएगा आंसर? क्लियर? कैसे हुआ, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट चीज, जो दो लाइंस होते हैं रिग्रेशन के, वो दोनों एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करते हैं, और वो पॉइंट होते हैं एक्स बार कॉमा वाई बार। मान लो एक लाइन ऐसे आ रहा है और एक लाइन ऐसे आ रहा है, तो दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स बार कॉमा वाई बार। दो लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं, उनके इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मान लो इन यही दो लाइन्स हैं, इन्हीं दो लाइन्स, अच्छा छोड़ो इसमें तो सी और डी है, ये वाले को हम लोग लेंगे। वापस से आई विल राइट इट नीचे में, या फिर इसको हटा देते हैं। बताओ ये दो लाइंस दिया हुआ है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या निकाल लेंगे? हाँ बात बोलो, अगर आप खाली इसको रीअरेंज करके इंटरसेप्ट ले लोगे तो आपका आंसर कैसे आएगा? आपका इंटरसेप्ट, आप जो उस टाइम बोल रहे थे ना कि खाली वाई बार इंटरसेप्ट है, नो, वाई बार खाली इंटरसेप्ट नहीं है, इंटरसेप्ट इज वाई बार माइनस बी वाई एक्स एक्स बार, ये पूरा चीज़ इंटरसेप्ट है। इसलिए उस टाइम मैंने रोक दिया था कि हम लोग बाद में जाके ये करेंगे, क्योंकि मेरे को पता था कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देगा वापस से। क्यों पता है? क्योंकि स्लोप क्या होता है, स्लोप खाली उतना पोर्शन होता है जो एक्स से चिपका हुआ है। ये वाला जो पार्ट है ये एक्स से चिपका हुआ नहीं है, एक्स बार तो कोई भी एक कांस्टेंट होगा, एक्स बार का वैल्यू हमें पहले से पता रहेगा जब हम लोग लाइन ऑफ रिग्रेशन अगर इस फॉर्मूला को यूज़ करके बनाएंगे। इट इज़ नॉट अ वेरिएबल, द ओनली टू वेरिएबल्स हियर आर एक्स एंड वाई, वाई बार एंड एक्स बार आर नोन कॉन्स्टेंट्स, राइट? तो इसलिए ये पूरा चीज़ इंटरसेप्ट है, तो ये तो हम लोग नहीं कर सकते कि रीअरेंज करके हम लोग
बोल देंगे। बहुत ही सिंपल है। जब कुछ क्लासेस पहले साइमल्टेनियस इक्वेशंस पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था, व्हाट एग्जैक्टली साइमल्टेनियस इक्वेशन हेल्प्स अस टू डू। जब ग्राफ बनता है, दो लाइंस होते हैं, वो एक कोई पेयर ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स एंड वाई, एक पेयर ऑफ वैल्यूज होगा जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। और वो पॉइंट कहाँ होते हैं, अगर कोई एक पॉइंट है जो दोनों लाइंस पे लाई कर रहे हैं तो मतलब वो दोनों लाइन को उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस में सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, तो हम लोग क्या निकालते हैं, वो दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसलिए मैंने ये भी डिस्कस किया था कि जब टू लाइंस पैरेलल होते हैं, दे हैव नो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, विच मीन्स दैट देयर इज नो सल्यूशन टू आर पेयर। जब वो कॉन्करेंट होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक होते हैं, तो हर पॉइंट पे एक सल्यूशन है, तो देर आर इनफाइनाइट सल्यूशंस। और जब एक बार खाली इंटरसेक्ट करते हैं, वन पेयर ऑफ सल्यूशन आते हैं। याद आ रहा है कि किए थे हम लोग इसका कंडीशन भी किए थे पूरा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे एक्स बार वाई बार, अब बोलो याद आ गया तो। ऐसे ले लेंगे और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, करके बताओ आंसर क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, मुझे करके बताओ। जो मेथड यूज करना है वो मेथड यूज करो। वाई बार 2/7 आ रहा है। अच्छा तो सही करो। X7 आएगा, -7 आएगा। पक्का? मतलब जो स्क्रीन पे लिखा है उसको देख के भी कुछ नहीं लग रहा है। भूख लग रहा था इसलिए -10 खा गए। तो -1 नहीं होना चाहिए।
वाह 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 वाह, कोई बात नहीं, आप करो। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था। अगर मीन वैल्यू करना होता है पता, तो सिंपली हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। अब बस आज के लिए एक लास्ट सम, करो ट्राई।
क्या लग रहा है कैसे होगा? बी जेड एक्स निकालेंगे कैसे? पहले बी वाई एक्स निकालेंगे, ठीक है? पहले बी वाई एक्स निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे? ये होगा, मैं कैलकुलेटर लाना भूल गई, कितना आ रहा है? 4/5 पक्का पक्का उतना ही आ रहा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे? क्या इक्वेशन? अभी तो बी वाई एक्स निकले, फिर बी एक्स वाई निकालेंगे अब, ठीक है? बी एक्स वाई निकाल लेते हैं। क्यों निकाल रहे वैसे हम लोग बी एक्स वाई? अच्छा ठीक है, बी एक्स वाई होगा 0.6 × 1.5/2। कितना है? वही तो बहुत। नाइन बाय ट्वेंटी आ रहे हैं। इतना ही आया। फिर चलो बी वाई एक्स आ गया और बी एक्स वाई आ गया, अब क्या करेंगे? हाँ तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैसे निकालेंगे? लाइन ऑफ बेस्ट फिट फॉर जेड ऑन एक्स निकालने, कोई भी लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालने से नहीं चलेगा, जेड का एक्स पे लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालने। फॉर्म क्या होगा लाइन ऑफ बेस्ट फिट का? एक सेकेंड, जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू बी जेड एक्स। जेड बार हम लोग को पता है, निकाल सकते हैं। क्यों नहीं पता? कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ने से पहले का पढ़ाई थोड़ी ना भूल जाते हैं। अगर हम लोग को वाई बार दिया हुआ है एंड जेड इज इक्वल टू कितना, 10x 10y+5, तो जेड बार कैसे निकालेंगे? पूरे चीज का मीन लेंगे, बार क्या होता है, मीन ही तो होता है ना। अरे हाँ, बज रहे धीरे धीरे घंटा। कितना आया? 205 आएगा जेड बार। नेक्स्ट बी जेड एक्स कैसे निकालेंगे? बी जेड एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालेंगे? जेड का निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन। कैसे, क्या होगा जेड का स्टैंडर्ड डेविएशन?
पुरानी पढ़ाई के आज के क्लास में वापस रिवाइज किए हैं। कैसे करेंगे इसको? कुछ पुरानी नहीं है इस पढ़ाई में। और किससे मल्टीप्लाई होगा? किससे? ये क्या है? एग्जाम के पहले चश्मा पहनना मत भूलना। चलो सिग्मा जेड भी तैयार हो गया, अब क्या करेंगे? ये कौन सा नया टंट है? आर जेड एक्स कहाँ से पैदा करेंगे? हमारे पास तो खाली आर एक्स वाई है। बोल तो कोई पुरानी पढ़ाई होगी। आज की क्लास के पहले कभी आर सुना नहीं था, लेकिन पुरानी पढ़ाई है। हम लोग क्या किए थे? कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ चेंज इन स्केल एंड ओरिजिन। रिग्रेशन कोएफिशिएंट है ये रहा। आर इज अनअफेक्टेड बाय चेंज इन बोथ स्केल एंड ओरिजिन। तो आर एक्स वाई और आर जेड एक्स लिटरली ये सम अलग से भी किया है आपने। कहाँ गया? यही तो कहीं किया था रो एक्स वाई वाला सम, पता नहीं कहाँ गया। जहाँ भी गया वो जो रो एक्स वाई सी का मॉड वाला चीज दिखाया था, जिसमें याद आ रहा धीरे धीरे। तो यहाँ पे भी क्या आर जेड एक्स और आर एक्स वाई सेम नहीं होगा? क्योंकि क्या हो रहा है, हम लोग खाली वाई को ही तो चेंज कर रहे हैं। हाँ हम लोग खाली वाई को ही तो मॉडिफाई कर रहे हैं, स्केल अप कर रहे हैं और ओरिजिन चेंज कर रहे हैं, तो सेम हो जाएगा, नो चेंज इन आर। तो ये तो चलो आर जेड एक्स की जगह आर एक्स वाई यूज़ करने, और क्या होएगा? सिग्मा जेड बाय सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स पता है हम लोग को, सिग्मा जेड हम लोग निकाल चुके हैं। सिग्मा एक्स कितना है? 1.5। पता है इतना मेहनत किए बिना भी हम लोग कैसे कर सकते थे? यहाँ पे बी वाई एक्स निकाला था, जो बी वाई एक्स निकाला था, एक्स तो वैसे ही है, वाई का हम लोग स्केल और ओरिजिन चेंज कर रहे हैं। तो ऊपर जाके अगर देखोगे तो मैंने ये भी लिखवाया है कि जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन, लेकिन जो स्केल में चेंज आते हैं वो या तो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट देगा या एक डिवाइडिंग इफेक्ट देगा, डिपेंडिंग हम लोग कौन से वाले वेरिएबल में चेंज ला रहे हैं। आ रहा याद? खैर जो भी, एक में ए से मल्टीप्लाई होगा और एक में ए से डिवाइड होगा, कौन सा वाला होगा वो देखना होगा। खैर वो भी छोड़ो, ऐसे भी अगर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक हुआ? ये कितना आएगा देखो, 40/5 आना चाहिए। क्यों पता है? मल्टीप्लाइंग इफेक्ट दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए, ये 4/5 भी इंटू 10 हो जाएगा, तो इसीलिए 40/5 विच इज़ 8। तो हम लोग का इक्वेशन क्या बनेगा? जेड माइनस 205 इज इक्वल टू 8 टाइम्स एक्स माइनस एक्स बार कितना है? 1 चलो अच्छा ये दिख गया, समझ में आया क्या? ए सेट के पेपर का ही क्वेश्चन है ये, 3 marks का क्वेश्चन था। एक ही आएगा ऐसा, हर चैप्टर में ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है।
कितना बच के भागोगे? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ तो पढ़ोगे तो सही, तो फिर डरने का क्या बात है? अगर पढ़ोगे तो सारा सम्स होगा, सारा नहीं 90% सम्स तो होगा ही डेफिनेटली। कुछ अच्छा ही बात है, सारे करने भी चाहिए, लेकिन देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बस आपको ध्यान रखना होगा कि आप जितना भी चीज़ पढ़े हो सब साथ में यूज़ होगा। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में बस अगर इंटीग्रेशन का साइन दिख गया तो उसमें इंटीग्रेशन ही अप्लाई होगा, उसमें अंदर में और बहुत चीज़ यूज़ हो सकता है ना? सब चैप्टर्स को रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे हुआ? कोई भी डाउट आज हम लोग जो भी किए? नहीं समझ में आया सब? तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय।